शिवपुरी के पोहरी में पुलिस ने 33 लाख रुपए की चोरी को 10 घंटे में जांच पूरी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। बीते दिन पोहरी थाना क्षेत्र में एक महिला के घर से 33 लाख रुपए चोरी हो गए थे, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में गंभीरता से कार्रवाई करते हुए संदिग्ध की मोबाइल ट्रेसिंग पर पता लगा लिया। जैसे ही संदिग्ध की लोकेशन ग्वालियर मिली, पुलिस पार्टी तत्काल रवाना हुई और आरोपी को एक होटल से पकड़ा, जिसके पास से रुपए बरामद किए गए। दरअसल बीते दिन पीड़ित महिला अर्चना कुशवाहा ने कोलारस में अपनी जमीन बेचकर 33 लाख रुपए लेकर अपने मायके पिपरहार पहुंची, जहां पर उसने अपने पैसे मायके में सुरक्षित रख दिए। लेकिन महिला का भतीजा मौका देखकर उन रुपयों को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद महिला ने तत्काल पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को ग्वालियर से गिरफ्तार किया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कल उसका पति सुबह 9 बजे करीब अपनी बहन रचना के पास चला गया था, और घर पे उसका लड़का गोलू और गोवन कुशवाहा 19 वर्ष के लगभग वो था। अपनी माँ से सुबह 10 बजे करीब भैंस चराने के लिए खेत के घर से निकला। माँ भी अपने खेतों पे चली गई बूढ़ी भाई। उसके बाद जब वो 5 बजे करीब लौट करके वापस आई तो दरवाजा का ताला टूटा लगा मिला। उसके बाद जो जीने पर ताला था वो भी टूटा मिला। वहाँ जीने के नीचे एक अटैची रखी रहती है, उस अटैची में जो 34 लाख 50 हजार रुपए थे उसका भी ताला टूटा हुआ था।